और आपके बीच में ये जो ताकत मैं महसूस कर रहा हूँ कि हमारी बेटी रोहिणी अचारी ने इतना बड़ा कुर्बानी दिया है, तो कुर्बानी उसने डोनेट किया, अपना जीवन डोनेट किया है, हम उस बेटी को इस अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और उसके कर्जा को लौटा नहीं सकते हैं। आप सब लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद। एक रहिए, एकजुट रहिए और कोई भी आप एक हैं, हमको देश बचाना है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाना है, बिहार को आगे बढ़ाना है, देश को आगे बढ़ाना है, माइनॉरिटीज की रक्षा करना है। माइनॉरिटीज हम सब लोग बोलते हैं हिंदू हिंदू हिंदू, अरे हिंदू जो है हम लोग हिंदू हैं, लेकिन माइनॉरिटीज माइनॉरिटी का क्या अपराध है कि तुम अलग करना चाहते हो, अलग करने का कोशिश कर रहे हो, टुकड़ा टुकड़ा करना चाहते। कभी भी हम सफल होने नहीं देंगे, किसी भी कीमत पर होने नहीं देंगे। और अब समय आ गया है नरेंद्र मोदी की सरकार को जाने का, विदाई होने का, ये पक्का है। ये बिहार का ये आह्वान है, ये महागठबंधन का ऐलान है और ये संकल्प लेकर के आप सभी वहाँ से जाइए, पूर्णिया से निकलिए और हम पूर्णिया के इलाका जो सीमांचल का जो इलाका है, हमारा मोस्ट सेकुलर इलाका है, इसको किसी भी कीमत पर भिन्न भिन्न रूप में लोग आएगा, आपको बहकाएगा और उसको पहचानना है और एकजुट होना है और सेकुलर ताकतों को एकजुट होकर के पूरी देश की रक्षा में लग जाना है और आगे 15 के चुनाव में पूरा 24 के चुनाव में पूरा मजबूती के साथ रिजल्ट देना है और बिहार देश को उस पर असर। माले के लेफ्ट के लोगों को अभी हमारे हम मुझसे मिले थे दिल्ली में, ये येचुरी साहब आके मिले थे, येचुरी जी मिले थे और उनसे भी हमारी काफ़ी विस्तार से बात हुई। ये जो राशन ये 5 किलो तो 10 किलो हम राशन दे रहे हैं, राशन दे के हम वोट मांग रहे हैं। याद होगा 1910 में ही सुप्रीम कोर्ट ने मजबूती के साथ सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है राशन देने का, वितरण करने का, कि राशन जब सड़ रहा है तो राशन सड़ रहा था गरीबों को बांटो, ये मजबूती से उसका ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का। और ये बोलते हैं कि हम राशन दे रहे हैं, लगता है कि पूरा ये हल चला करके ला रहे हैं, पॉकेट से अपने ला रहे हैं, अपने घर से ला रहे हैं और वोट मांगते हैं। तो हमको पूरा मजबूती के साथ देश को बचाना है। सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ और प्रणाम करता हूँ, आदाब करता हूँ, सलाम करता हूँ और सभी नेताओं को पूरे एक साथ विश्वास करके रहने की जरूरत है। सभी लोगों को नमस्कार। सभी पार्टी के महागठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपका संदेश सब लोगों तक पहुंचा और पूर्णिया से आगे भी जाएगा।